उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की जुबान तो फिसलती रहती है, लेकिन अब नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट की जुबान भी फिसल गई है। उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिससे वह ट्रोल्स के निशाने पर आ गए। अजय भट्ट ने 18 वर्ष की जगह 14 वर्ष से 45 वर्ष वाले व्यक्तियों के लिए तो वहीं वैक्सीनेशन की जगह ऑक्सीजन बोल दिया। क्या कहा सांसद अजय भट्ट ने, आप भी सुनिए। इसलिए वैक्सीनेशन से वंच न रहें, वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं रही है। अभी 14 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आने वाली है। और 45 से ऊपर के आयु सीमा के लोगों के लिए आजकल वैक्सीनेशन लग रहा है। अजय भट्ट के इस बयान का सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ा, जिसके बाद उन्होंने सफाई देते हुए एक और वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने गलती से जुबान फिसल जाने को इसका कारण बताया। अपनी सफाई में सांसद महोदय ने और क्या कहा, आप भी सुनिए। बीते रोज उधम सिंह नगर के भ्रमण के दौरान मेरे द्वारा मीडिया के मित्रों को वैक्सीनेशन के संबंध में दिए गए बयान में गलती से जुबान फिसलने के कारण वैक्सीनेशन शब्द की जगह ऑक्सीजन एवं 18 वर्ष की जगह 14 वर्ष निकल गया था। मेरा मीडिया के मित्रों और साथियों से अनुरोध है कि उसे अन्यथा न लिया जाए और मेरा कहने का आशय जो था, यानी कि 18 से 44 वर्ष तक के साथियों के लिए सरकार द्वारा वैक्सीनेशन के प्रयास किए जा रहे हैं, ये मेरा मुख्य आशय था। तो इसको इसी तरह से, यानी कि 14 वर्ष को 18 वर्ष और ऑक्सीजन को वैक्सीनेशन समझा जाए और इसी तरह से इसको संशोधित मान लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।